फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल वर्ल्ड। कैसे हैं सब? और ये मैं आपके साथ सैटरडे इवनिंग का अपना जो रूटीन है, डिनर रूटीन, वो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ फिन्नी। फिन्नी के लिए मैंने चावलों को पहले ही भिगो के रख दिया था दोपहर में, और शाम को आप एक घंटे आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं। और फिर बस इसको अच्छे से साफ करके और इसको दूध या पानी के साथ आप लोग पीस लीजिए। और मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो उसमें मैंने डाल दिया है चावल, दूध में चावल डाल दिए हैं मैंने पिसे हुए, एकदम पाउडर हो गए थे अच्छे से। इससे आपकी जो खीर है, क्योंकि हम फिन्नी बना रहे हैं तो फिन्नी एकदम घुटी होती है बहुत अच्छे से, तो इससे जल्दी भी बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। और मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं वो फिन्नी का टेस्ट देने के लिए, वो एक अलग सी फ्रेगनेंस, सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है ना, वही फिन्नी का मेन पार्ट होता है। और इसी में मैंने चावल के साथ ही इलायची भी डाल दी थी पीस के। तो बस इसको चला छोड़ देना है 10-15 मिनट बाद। ये बीच में चलाते रहिएगा, लगना जाए नीचे। 10-15 मिनट बाद ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, अभी थोड़ा टाइम हो गया है तो ये गाढ़ी हो गई है। इसको और अच्छे से चला लीजिए, आपको पता चल जाएगा टेक्सचर देखने में। जो चावल है आप हाथ लगा के भी टच कर सकते हैं कि वो अच्छे से मैश हो रहे हैं या नहीं। उस स्टेज पे आप मन चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और आपके स्वाद अनुसार चीनी डाल दीजिए, चीनी, खांड, शुगर, जो भी आप यूज करते हैं। बस थोड़ा सा चलाइए और आपकी फिन्नी रेडी है। इसको बंद कर देंगे ना तो ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। जब मैं रात लास्ट में सर्व करूंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्लेट के अंदर। तो ये है मेरा इवनिंग डिनर रूटीन सैटरडे नाइट का। बहुत टाइम हो गया था खीर बने हुए, तो मैंने सोचा चलो बना भी लेते हैं और आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं। मेरी हालत देखो खीर बनाने में, देख रहे हो दिल्ली की गर्मी, हाँ यूं खड़ी होती हूँ। ये देखिए, सिर्फ खीर बनाने में 5 मिनट हुई है ना खीर तो, क्योंकि छोड़ देते हैं हम लोग बना के, मैं चलती रहती है, पर उसमें मेरा ये हाल हुआ है। स्वेटिंग देखिए, ओ अब वो मेरी खीर पीछे। तो फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज़ और है, आजकल मैंगो सीज़न है और मैंगो फिन्नी, मैंगो खीर काफ़ी चल रही है। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि जो चीज़ जैसे उसको वैसे खाने में ही मज़े आते हैं। यस, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जो लोग भी अगर मैंगो फिन्नी बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये फिन्नी होगी हमारी जो आपने मेरा प्रोसेस अभी देखा। इस स्टेज पे तब ये बन गया ना, सब कुछ मैंने डाल दिया है उसमें, क्या चीनी से पहले आप क्या मैंगो प्यूरी डाल दीजिए। मैंगो प्यूरी डाल के मिला दो तो गाढ़ा हो जाता है वो चावल से, क्योंकि चावल मैंने पीसे हैं तो उससे वो गाढ़ी हो जाएगी। तो वो मिला दीजिए, टेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंगो मीठा होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कम मीठा, तब चीनी ऐड कीजिए और चीनी चला के इसको बंद करके और ठंडा, एकदम ठंडा सर्व कीजिए। फिन्नी ठंडी अच्छी लगती है तो ठंडा उसको फिर सर्व कीजिए, तो मैंगो फिन्नी हो जाती है। अभी मैंने रखी है नॉर्मल फिन्नी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंगो वैसे ही क्या जूस पिया था अभी शाम को ही, तो मैंगो मुझे लगता है मैंगो मैंगो के फॉर्म में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं खीर वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है खीर को ऐसे ही खाना चाहिए खीर की तरह। तो मैं उसको खीर की तरह, काफ़ी टाइम हो गया हमारे, खीर बहुत रेयरली बनती है तो आज बनाया, मन करा था। साथ में खाने में भी सोची हूँ कुछ पनीर लबाबदार बनाऊंगी और लच्छा पराठा या सिंपल तंदूरी रोटी, जो भी रहेगा तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी शाम हो गई है, शाम आजकल तो दिन देखो वहाँ पे सूर्य देवता भी था, उल्टे कैमरे से देखेंगे, 7:30 हो गए हैं, लेकिन अभी दिन ठीक है। ये बाहर के नज़ारे हैं और वो देखो सूर्य देवता हमारे छुप रहे हैं, दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगता है सीन वैसे ना, और इस कैमरे में ना बड़ा अच्छा कैप्चर भी होता है। तो अभी हो रही है शाम, वो खड़ी हस्बैंड की कार, और ये जंगल हमारे घर के पास में, तो वो केंद्रीय विद्यालय है पुराना उधर सामने जो बोर्ड दिख रहा है, बट वो बंद है क्यों क्या पता नहीं। तो चलिए डिनर दिखाती हूँ आप लोगों को, फिलहाल कैमरे को लगाती हूँ चार्ज पे, डिस्चार्ज हो गया है और मेरी खीर भी बन चुकी है। तो थोड़ा अपने आप को पसीने सुखाती हूँ और फिर वापस आऊँगी पनीर और आटा लगाने के लिए। बाय बाय। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। मैं बना रही हूँ पनीर लबाबदार, बहुत क्विक और बहुत इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों का तेल मेरा ख़त्म हो रहा था इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने बटर भी मिलाया है, ऑयल में ही बटर मिलाना, वरना क्या होता है बटर में खाली बटर डालते हैं तो बटर जल जाता है, ऑयल में बटर डालेंगे तो वो जलेगा नहीं और आपकी सब्जी में एक अलग सी स्वाद देगा, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है वो, खट्टा खट्टा बड़ा अच्छा सा टेक्सचर देगा, टेस्ट देगा। तो जब ये बटर मेल्ट हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हींग और जीरा,
एक तेज पत्ता डाल दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा गर्म मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं सिर्फ तेज पत्ता ही डाला है। और इस टाइम पेस्ट में डाल देंगे हम लोग चॉप करी हुई हमारी नॉर्मल प्याज। मैंने प्याज में डाला है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, चॉपर में चॉप कर ली है बारीक और बस इसमें डाल दी है। बस हम सौते करेंगे प्याज को तब तक वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। और जैसे ही आपको लगे थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें देगी मिर्च। देगी मिर्च जैसा कि आप लोगों को पता है तीखापन नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए, एक अच्छा कलर आता है। और जो भी शाही सब्जियाँ होती हैं या रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियाँ होती हैं उनमें देगी मिर्च से ही कलर आला होता है। तो ये मैंने डाल दी है देगी मिर्च और इसको चला लेंगे, थोड़ा सा बनने देंगे, प्याज को थोड़ा सा चेंज होने देंगे। इस स्टेज पे अब मैंने तेज पत्ता हटा दिया है क्योंकि जितना भी अरोमा उसका निकलना था वो निकल चुका है सब्जी के अंदर, तो मैंने उसको निकाल दिया है। आप चाहे रख सकते हैं बट मेरे को लगता है निकाल देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। बस इसको अच्छे से चलाते रहिए, जैसे ही आपको लगे प्याज हो गई है इस स्टेज पे आप लोग डाल दीजिए टमाटो। टमाटो प्यूरी डालिएगा अगर पॉसिबल है तो, या फिर ब्लांच करके टमाटोज को फिर उसकी प्यूरी बना लेना। मैंने क्या किया है, मैंने चॉपर में छिलके हटा के और फिर चॉपर से ही मुझे लगा प्यूरी हो जाएगी बट वो प्यूरी हुई नहीं, तो इसलिए आई एम सेइंग कि आप लोग उसको थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर में गर्म करके छिलका हटा के और फिर इसको प्यूरी करके डालना तो थोड़ा अच्छा टेक्सचर आता है। मेरा प्यूरी नहीं था इसलिए थोड़ा टाइट है, तो मैं इसको मैशर से मैश कर दूंगी ताकि टमाटो जो है वो मैश हो जाएंगे अभी आगे। इसमें मैंने डाल दिया है नमक ताकि थोड़ा सा पानी छोड़े प्याज, टमाटर जो है पक भी जाएंगे और थोड़ा पानी भी छोड़ेंगे खुद का। तो बस इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर ताकि टमाटो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद देखेंगे, देखिए अभी सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल छोड़ दिया है थोड़ा सा। तो इस स्टेज पे क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मेरे टमाटोज जो मैंने प्यूरी फॉर्म में नहीं डाले थे तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनको मैश कर दिया थोड़ा सा मैशर से, और फिर इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें डाइस करे हुए पनीर, पनीर के पीसेस क्यूब में काटे हुए हैं मैंने, आपकी मर्जी जैसे भी काटना है। और इस टाइम पे मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे थोड़ा ताकि ऑयल और सेपरेट हो जाए, और उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा जब ये पक जाता है थोड़ा मसाले पनीर ले लेता है, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो पानी है और थोड़ा सा तेल छोड़ेगा, ठीक है, ये देखिए इसको फिर से हम ढक देते हैं, बनने देते हैं आराम से। थोड़ी देर बाद फिर हटा के देखेंगे तो ये देखिए तो फिर से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है और थोड़ी सी थिकनेस जो है वो बढ़ गई है। इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी कस्तूरी मेथी हाथों से मसल के, क्योंकि जो उसकी खुशबू है वो मसलने के बाद बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, वो डाल दीजिए ऐसी सब्जियों में, तो किचन किंग गरम मसाला जो भी आप यूज़ करना चाहें। और ये मैंने होम मेड घर की मलाई, जो घर की मलाई होती है ना वो डाली है मैंने, बस सिर्फ इसमें यही है एक इन्ग्रीडियंट जो हम डाल रहे हैं जो इसका और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट कर देता है। अच्छे से चला लीजिए और फिर थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि मलाई जो है वो भी पक जाएगी और उसका भी जो फैट है वो निकलेगा, थोड़ा सा घी छोड़ेगी और ज़्यादा और थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। एंड यस फ्रेंड्स, सॉल्ट ज़रूर डाल दीजिएगा, मैंने देखिए आज से सॉल्ट देखा था कि सॉल्ट डालना है कि नहीं, सॉल्ट डाल दीजिएगा। और अगर हम लोग देखो घर के टमाटो यूज़ कर रहे हैं फ्रेश टमाटोज तो थोड़ा खट्टापन होगा, तो इसीलिए थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दीजिएगा। मैंने देखिए थोड़ा सा गुड़ डाला है, मैं गुड़ यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने गुड़ जो शक्कर है वो डाली है। आप थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा, अगर टमाटो प्यूरी मार्केट की यूज़ कर रहे हैं फिर मत डालिएगा, वो ऑलरेडी मीठी होती है। तो बस इसको ढक दीजिए एंड योर टेस्टी टेस्टी पनीर लबाबदार इज रेडी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, देखने में सिंपल है, बहुत सिंपल रेसिपी है एंड टेस्ट वाइज इट्स ऑसम, यानी आपको जो होटल रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% एग्जैक्टली। तो ऑफकोर्स देखिए हाथों का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा, धनिया से गार्निश कीजिए एंड एंजॉय पनीर लबाबदार। मैंने लच्छा पराठा सोचा था बनाऊंगी बट फिर नहीं बनाया, गर्मी इतनी है, फिर मैंने कहा कौन खाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, तो नॉर्मल रोटी ही रखी है। तो बस यहीं पे मैं रखूंगी वीडियो को, अपनी प्लेट्स में आपको दिखा दूंगी लगा के, उसके बाद मैंने शूट नहीं करा था क्योंकि आपने देखा मेरे पसीने में हालत कितनी बुरी थी, तो उसके लिए उसके आगे फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं करा है। थोड़ा सा इसको मैंने डेकोरेट कर दिया, गार्निश कीजिए मलाई से और धनिए से एंड योर सब्जी इज डन। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पसीने पसीने, और आप देख सकते हो मेरी सब्जी डन है। तो बस रोटी बना के मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं आजकल मेरे मोबाइल में क्या हो रहा है ना, पता नहीं वॉइस खुद ही अलग हो जा रही है। किसी को पता हो तो जरूर बताना। मिस लिपसिंग अलग हो रही होती है और वॉइस पता नहीं क्यों, और ये नॉर्मल कैमरे से ही शूट कर रही होती हूँ मैं, कोई अलग से स्पेशल ऐप यूज नहीं कर रही हूँ। और देखिए हैंग भी हो रहा था, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, 3-4 बार से हो रहा है कि कोई भी मैं बोलने वाला वीडियो बना रही हूँ ना उसमें मेरी वॉइस अलग जा रही है। तो एनीवेज आप इंजॉय कीजिए मेरी प्लेट और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फ्रेंड्स फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी रील्स आपके सामने आती रहती हैं। और ये हमारी थाली।